माघी पूर्णिमा है जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोग नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में भी सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज स्नान और दान का भी खास महत्व है। वहीं माघी पूर्णिमा पर वाराणसी में प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है सभी श्रद्धालुओं के लिए। पूर्णिमा के दिन गंगा स्थान पे स्नान करना और भगवान शिव की नगरी में वहाँ पे अपना एक बड़ा महत्व होता है और बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उभरती है। और हमको भी इस आज के दिन का अवसर मिला स्नान करने के लिए। बस गंगा माता से यही प्रार्थना है कि हमेशा अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को सुख समृद्धि दें, सबकी मनोकामना पूरी करें। गंगा जी से क्या मांगना, गंगा जी से सब कुछ देने वाली हैं इस भारत देश को। मैं चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियाँ जो हैं उनमें ये देश शांत रहे, सुखद रहे, हम सब के परिवार खुशहाल रहें, यही मेरी कामना है गंगा मैया से। बस बच्चों के लिए खुशहाली, परिवार के लिए खुशहाली ही मांगी है हमने। तो काफ़ी दूर से मध्य प्रदेश से आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के। आज पूर्णिमा है खास तौर पर, इसलिए आज पूर्णिमा का स्नान करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गंगा से आज संसार के मतलब पूर्णिमा का दिन है और चाहते हैं कि पूरा दुनिया स्वच्छ रहे। पहले मोदी जी का मिशन कामयाब हो और सब दिल मन से दिल साफ हो सबका, इसलिए गंगा मैया से मांगे हैं कि सब कुछ बढ़िया से देश का उत्थान हो, हर लोगों का उत्थान हो। अभी हिंदुओं के लिए तो भाई पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, ऊपर से फागुन का महीना है तो थोड़ा लगता है कि चलो थोड़ा कुछ ना कुछ तो धर्म कर्म करना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा पटना से यहाँ तक आए हैं कि यहाँ का गंगा स्नान करेंगे। पटना में तो बहुत बार किया है तो बनारस में भी आए हैं, इसीलिए हम कि थोड़ा सा यहाँ का भी देख लिया जाए और काशी विश्वनाथ का भी दर्शन हो जाए।